बॉक्सिंग से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बुधवार को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। विजेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने उन्हें साउथ दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि उन्होंने 2019 में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। चर्चा थी कि विजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट से मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विजेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उन्हें पार्टी कहां से चुनावी मैदान में उतारती है। विजेंद्र सिंह अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन का भी समर्थन किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला था। कुछ समय पहले उनकी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। इससे पहले विजेंद्र सिंह ने 2024 में हरियाणा के भिवानी से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बॉक्सर विजेंद्र सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा था। वो इन खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। विजेंद्र सिंह बीजिंग ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट थे। उन्होंने साल 2009 में खेल रत्न से नवाजा गया था। जी काफी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया, आपने कुछ प्रदर्शन भी जनता मंदिर जो रहा उसे कैसे देख रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मैं कहते पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। जी मैं समझा नहीं कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में क्या कमी आपको लग रही है? जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। आप आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, मोदी सरकार से? नहीं जी, हम देश सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर